जरा सोचो, आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के एक ऑफिसर को धोखे से जेल में डाल दिया जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान घर में, जहां कुछ लोग ड्रग्स पैक करते हुए उन्हें बेचने की तैयारी कर रहे थे। अचानक टेरी नाम का एक आदमी वहां घुस आया और उनका सारा पैसा चुरा कर भाग निकला, लेकिन कुछ ही पलों में पुलिस ने उसे पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके रिकॉर्ड्स की जांच करने पर पता चला कि टेरी पहले स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी हुआ करता था और उसने अपने समय में काफी मेडल्स भी जीते थे। उसने अफगानिस्तान, नाइजीरिया और इराक जैसे देशों में यूएस की तरफ से लड़ाई भी लड़ी थी। उसका रिकॉर्ड देखकर सुपरिंटेंडेंट हार्वी ने टेरी को अपने पास बुलाया और पूछा कि आखिर एक फौजी होकर उसने चोरी क्यों की। तो टेरी ने कहा कि जब तक सरकार को फौजियों की जरूरत होती है तब तक तो उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। अब फौज से निकलने के बाद उसकी बेटी काफी बीमार है और उसके पास इलाज तक के पैसे नहीं है, तो आखिरकार उसे चोरी का सहारा लेना ही पड़ा। ये सुनकर हार्वी ने उसे एक ऑफर देते हुए कहा कि वो उसे एक मिशन पर भेजना चाहता है। खबर ये थी कि जेल का वार्डन लूकस जेल में गैर कानूनी लड़ाइयां करवा कर पैसे कमा रहा था और साथ ही उसकी जेल में ड्रग्स का काला धंधा भी चल रहा है। उसकी माफिया डॉन्स के साथ भी पूरी जान पहचान थी, इसलिए उसे पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। हार्वी चाहता था कि टेरी कैदी बनकर उस जेल में जाए और लूकस के खिलाफ सबूत इकट्ठे करे, ताकि हार्वी उसका सच दुनिया के सामने ला सके। उसने कहा कि अगर टेरी इस मिशन में कामयाब रहा तो वो उस पर लगे सभी इल्जाम रद्द कर देगा और सरकार उसकी बेटी के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। ये बात सुनकर टेरी राजी हो गया। फिर हार्वी ने बताया कि जेल के कमरे में ही उसे एक फोन मिलेगा, जिसके जरिए वो सबूत इकट्ठा करके हार्वी को भेजेगा। इसके बाद टेरी ने अपनी बेटी से मिलकर उसे अलविदा कहा। फिर अगले ही दिन टेरी को जेल भेज दिया गया। जेल में लेफ्टिनेंट किलियन ने सभी कैदियों को जेल के नियम बताए और फिर उन सबके गले में एक इंजेक्शन लगाया गया, जो असल में एक चिप थी जिसके जरिए उन पर नजर रखी जाती। बाद में जब टेरी अपने कमरे में पहुंचा तो उसे बिस्तर के नीचे हार्वी का भेजा फोन मिला। अगले दिन टेरी खाना खाने गया तो अचानक जेम्स नाम के कैदी ने उसका खाना गिरा दिया और उससे जबरदस्ती लड़ाई करने लगा, पर टेरी ने कहा कि वो यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया। इसके बाद जब वो बाहर गया तो फ्रू नाम का एक कैदी उसके पास आया और उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन टेरी उसका ऑफर ठुकरा कर लौट आया। इसके बाद जेम्स और उसकी गैंग के गुंडे टेरी पर हमला करने पहुंचे। टेरी ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया, पर वो लोग टेरी पर भारी पड़ रहे थे। तभी अचानक बोन्स नाम के कैदी ने वहां आकर टेरी की मदद की। कुछ ही पलों में गार्ड्स भी वहां आ गए और उन्होंने सबको पकड़कर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। इसके बाद वार्डन लूकस ने लड़ाई करने के लिए जेम्स की जमकर क्लास लगाई। फिर उसने टेरी को अपने ऑफिस में बुलाया और जेल में होने वाले फाइटिंग टूर्नामेंट्स के बारे में बताया। असल में लूकस पहले से ही जानता था कि टेरी फौज से है और जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा फाइटर होगा, इसलिए वो चाहता था कि टेरी भी इन मुकाबलों में हिस्सा ले। उसने टेरी को लालच देकर कहा कि अगर वो लगातार मुकाबले जीतता रहा तो जल्द ही लूकस उसे रिहा कर देगा और फिर आजाद होकर वो अपनी बेटी से मिल सकता है। इसके बाद उसने टेरी को फाइटिंग सूट भी दिया और ऑफिसर जीना को उसे एक नए कमरे में छोड़कर आने को कहा। उस कमरे में बोन्स भी था और जल्द ही उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। इसके बाद टेरी ने फोन के जरिए हार्वी को बताया कि यहाँ गैर कानूनी मुकाबले करवा के जुआ खेला जा रहा है। दूसरी ओर बोन्स ने टेरी को जेल की अलग अलग गैंग्स के बारे में बताया। उसने बताया कि फ्रू जेल के मुकाबलों का चैंपियन रहा है और उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। इसके बाद शाम को गार्ड्स टेरी को एक अंडरग्राउंड जगह पर लेकर गए जहां मुकाबला होने वाला था। इन फाइट्स के अंदर कोई नियम नहीं होते थे और इन्हें बाहर खड़े कैदी और देश भर के अमीर लोग देखकर सट्टे लगाते थे। फिर जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो टेरी ने अपने फोन में सबूत के तौर पर वीडियो बना ली। दूसरी ओर वार्डन मुकाबले के मजे लेने लगा। ये मुकाबला फ्रू और दो कैदियों के बीच था, लेकिन फ्रू ने बड़ी आसानी से बाकी दोनों को चित कर दिया। इसके बाद टेरी की बारी आई और उसे एल वैम्पीरियो नाम के कैदी से लड़ना था, जिसके दांत एकदम वैम्पायर जैसे थे। पर टेरी के दोस्त बोन्स ने उसे पहले ही वैम्पीरियो की कमजोरियों के बारे में बता दिया था, इसलिए टेरी ने एक ही मुक्के में उसका खेल खत्म कर दिया। मुकाबला खत्म होने के बाद फ्रू लूकस के पास पहुंचा और उससे अपनी रिहाई की मांग की, क्योंकि लूकस ने उससे वादा किया था कि चैंपियन बनने के बाद वो उसे रिहा कर देगा। लेकिन इस पर लूकस ने कहा कि उसे अभी एक और मुकाबला जीतना होगा, उसके बाद ही वो रिहा हो सकता है।
अब फ्रू ने एक आखिरी चेतावनी देकर कहा कि अगर इस मुकाबले के बाद वो रिहा नहीं हुआ तो वो अपनी गैंग के साथ मिलकर पूरी जेल में हड़कंप मचा देगा। असल में फ्रू काफी ताकतवर था और वो जेल के ज्यादातर कैदियों का बॉस बन चुका था। फिर दो दिन बाद टेरी को एक वकील मिलने आई जिसका नाम जेनेटी था। वो फौज की वकील थी इसलिए वो उसका केस लड़कर उसे रिहा करवाना चाहती थी, लेकिन टेरी तो एक मिशन पर था इसलिए उसने जेनेटी को केस लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद वो बोन्स के साथ ट्रेनिंग करने लग गया क्योंकि अगली फाइट बहुत भयंकर होने वाली थी। कुछ ही समय में मुकाबले का दिन आ गया और मुकाबला शुरू होते ही टेरी ने एक ही दमदार झटके में अपने ओपोनेंट को चित कर दिया। इसका मैच करवाते ही क्यों है, शुरू होने से पहले तो खत्म हो जाता है। खैर, इसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। बाद में उसने बोन्स से पूछा कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। इस पर बोन्स ने बताया कि उसकी बहन के साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की थी और बोन्स ने गुस्से में उसे मार डाला, इसलिए उसे जेल हो गई। तब टेरी ने कहा कि वो जानता है कि बोन्स बुरा आदमी नहीं है। इधर टेरी की ताकत देखकर जेल के बाकी कैदी उसे अपने लिए खतरा समझने लगे थे, इसलिए एक दिन दो कैदियों ने आकर अचानक चाकुओं से उस पर वार कर दिया। तभी एन मौके पर ऑफिसर जीना उसे बचाने आई। इसी चक्कर में एक कैदी का चाकू जीना को लग गया और वो वहां से भाग निकला, लेकिन टेरी ने तुरंत जीना को मेडिकल रूम पहुंचाकर उसकी जान बचाई। बाद में लूकस ने टेरी को बुलाकर जीना की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। अगर वो मर जाती तो लूकस की नौकरी जानी पक्की थी। खैर, फिर टेरी ने लूकस से कहा कि वो फ्रू से मुकाबला करके जल्द से जल्द यहाँ से रिहा होना चाहता है। लूकस जानता था कि फ्रू के गुंडों ने ही टेरी पर हमला किया था, इसलिए उसने अपने गार्ड किलियन से कहकर उन्हें मरवा डाला क्योंकि उन्होंने जेल के नियमों को तोड़ा था। अपने साथियों की मौत से फ्रू भड़क उठा और वो टेरी को चुनौती देने जा पहुंचा, पर टेरी उस पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा। इसके बाद उसने हार्वी को मैसेज करके बताया कि जल्द ही उसका मुकाबला इस जेल के चैंपियन से होने वाला है। आखिरकार मुकाबले का दिन आ ही गया और लूकस ने जोरों शोरों से टेरी और फ्रू की फाइट का आगाज किया। जल्द ही मुकाबला शुरू हुआ और देश भर की जनता अपने पसंदीदा खिलाड़ी पर सट्टा लगाने लगी। कुछ ही पलों में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर भारी पड़ने लगे। शुरुआत में तो मुकाबला टक्कर का चल रहा था, लेकिन जल्द ही टेरी ने अपने जबरदस्त हमलों से फ्रू को धूल चटा दी। इसके बाद उसने हार्वी को मुकाबले के सबूत भेजे पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इधर फ्रू की हार के बाद सारे कैदी टेरी को अपना हीरो समझने लगे थे। अब टेरी चैंपियन बन गया था, इसलिए लूकस ने उसे अपने साथ हाथ मिलाकर कैदियों पर हुक्म चलाने का ऑफर दिया, लेकिन टेरी ने इससे साफ इनकार कर दिया। खैर, इसके बाद लूकस ने उसे अपना खुफिया बिजनेस दिखाया जहां वो ड्रग्स बनाकर दुनिया भर में सप्लाई करता था। वो चाहता था कि टेरी भी उसके साथ मिलकर ये धंधा चलाए, लेकिन टेरी ने कहा कि वो सोचकर बताएगा। इसके बाद उसने चुपके से सबूत के तौर पर थोड़े ड्रग्स चुरा लिए। बाद में लूकस टेरी को ऑफिसर हार्वी के पास ले गया और तब जाकर ये खुलासा होता है कि लूकस और हार्वी तो पहले से ही मिले हुए थे। वो जानते थे कि टेरी एक बढ़िया फाइटर है, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से उसे जेल में घुसाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। टेरी की फाइट से आज उन्होंने करोड़ों का मुनाफा कमाया था और अब उनका प्लान था कि वो बाकी जेलों के चैंपियन से टेरी का मुकाबला करवाएंगे। ये सब सुनकर टेरी के तो होश ही उड़ गए। फिर उन्होंने टेरी को जबरदस्ती अपने साथ शामिल होने को कहा, लेकिन टेरी नहीं माना। पर फिर उन्होंने उसके दोस्त बोन्स को जान से मारने की धमकी दी तो टेरी को मजबूरन हाँ करनी पड़ी। इसके बाद वो बोन्स के साथ कमरे में लौट आया और उन्होंने दुनिया के सामने लूकस और हार्वी के काले धंधे की पोल खोलने का फैसला किया। फिर उसने अपनी वकील जेनेटी को बुलाया और चुपके से उसे लूकस के खिलाफ सबूतों की चिप दे दी। इसके अलावा उसने जेल के बाकी कैदियों को भी अपने साथ कर लिया क्योंकि वो सब लूकस की तानाशाही से बेहद परेशान थे। कुछ देर बाद दूसरी जेल का वार्डन अपने चैंपियन शाका को लेकर पहुंचा। उसने लूकस से $10,00,000 की शर्त लगाकर शाका और टेरी का मुकाबला करवाने को कहा। आखिरकार लूकस मान गया और कुछ ही समय में मुकाबला शुरू हो गया। अब टेरी ने चुराए हुए ड्रग्स का पाउडर शाका की आंखों में झोंक दिया ताकि वो देख ना पाए और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने शाका को बुरी तरह पीटा। तभी उसने जेल के सभी कैदियों को इशारा कर दिया और उसी वक्त कैदियों ने पूरी जेल में तोड़फोड़ मचा दी। कैदियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से गार्ड्स उन्हें रोक नहीं पाए और देखते ही देखते सभी गार्ड्स मारे गए। तभी ऐन वक्त पर पुलिस वहां आ पहुंची क्योंकि असल में जेनेटी ने वार्डन के काले धंधों का सबूत पुलिस को देकर लूकस और हार्वी का पर्दाफाश कर दिया था। इधर लूकस भागने की फिराक में था कि टेरी ने उसका रास्ता रोक लिया।
और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लूकस ने उस पर खूब गोलियां चलाई, लेकिन टेरी ने उसका दिया हुआ बुलेट प्रूफ सूट पहना हुआ था, इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी पुलिस ने आकर लूकस को गिरफ्तार कर लिया और जेनेटी ने पुलिस को बताया कि टेरी ने ही वो सारे सबूत इकट्ठा किए थे। आखिरकार टेरी की बहादुरी की वजह से इतने बड़े रैकेट का खुलासा हो पाया, इसलिए सरकार ने उसे रिहा कर दिया और उसकी बेटी के इलाज का खर्चा भी उठाया। जब टेरी जेल से निकला तो सभी कैदियों ने उसके लिए तालियां बजाई। बाद में जब उसकी बेटी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो वो उसे गले लगाकर घर ले आया। उधर लूकस और हार्वी को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन अब उनके हाथ में अपनी हालत पर पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।